ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है इंदौर का। इस वीडियो में युवक जमकर 200 और 2000 के नोट उड़ा रहा है। जब नोट उड़ाने से भी उसका मन नहीं भरा तो उन नोटों को युवक ने टॉयलेट में जाकर फ्लैश कर दिया। ये वीडियो इंदौर के होटल का है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय मुद्रा का अपमान करने की बात सामने आ रही है। इस मामले में इंदौर के एडवोकेट सूरज उपाध्याय ने आईजी योगेश देशमुख और डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्रा को शिकायत कर पूरे मामले को भारतीय मुद्रा का अपमान बताते हुए देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की थी। एडवोकेट सूरज उपाध्याय ने बताया कि इंदौर के कैनेडिया निवासी फैसल पटेल नामक के युवक ने इंस्टाग्राम पे दो वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें वह एक होटल में 2000 और 200 रुपए के नोट उड़ा रहा है, उन्हें टॉयलेट में फ्लैश कर रहा है, जिसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में प्रशासन जांच करेगा कि वीडियो में दिखाए जा रहे नोट अगर असली पाए जाते हैं तो भारतीय मुद्रा का अपमान करने के आरोप में युवक के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जा सकता है। न्यूज डेस्क। मामला ये है कि मेरे पास दो वीडियो आए जो फैजल पटेल वैभव नगर कनाड़िया का संभवतः रहने वाला है, उसने खुद उसके इंस्टाग्राम पर डाल रखे हैं। दोनों ही वीडियो बड़े विवादित हैं। उसका जो उसने खुद ने डाल रखा है कि ये होटल मेरिट्स के वीडियो हैं, उसमें वो भारतीय मुद्रा मतलब 2000 रुपए के नोट 200 के नोट उड़ा रहा है, उनके ऊपर लात रख रहा है और तो टॉयलेट के अंदर भी नोट डाल रहा है। तो ये मामला सीधा सीधा भारतीय मुद्रा के अपमान का है जो देशद्रोह से जुड़ा है। इसमें धारा 124 ए की कार्रवाई होना चाहिए। इसको लेकर मैंने आईजी महोदय योगेश देशमुख जी को एक आवेदन दिया है और डीआईजी साहब को दिया है। आईजी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी उसमें केस दर्ज करके कार्रवाई करवाएंगे। एक ऐसा शिकायत प्राप्त हुआ है लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि नोट असली हैं या नकली हैं। अगर असली नोट है तो ये मुद्रा का अपमान है। उसमें संबंधित थाना प्रभारी इस मामले की जाँच करेंगे और संबंधित व्यक्ति की पहचान करके उससे पूछताछ की जाएगी।